हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश में चैप्टर वन के वर्ड मीनिंग कर लिए थे। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ आंसर देने अपन को क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर वन, हु टैक्स अंबर एंड अली टू द जू। अंबर और अली किसके साथ, अंबर अली को कौन लेकर गया था जू में? कौन लेके गए थे? तो उसके मम्मी पापा लेके गए थे। तो मम्मी पापा, फादर और मदर जब मिल जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? पेरेंट्स। तो यहाँ पे क्या आएगा? पेरेंट्स। हु टैक्स अंबर एंड अली टू द जू? पेरेंट्स। विच एनिमल हैज़ ए मैन? जो एनिमल होता है, कौन सा एक एनिमल होता है जिसके घने घने लंबे लंबे बाल होते हैं, वो जंगल का राजा भी होता है, तो वो कौन होता है? वो होता है लोयन। तो लोयन के जो आगे जो घने घने बाल होते हैं उसको मैन बोलते हैं। तो ये कौन सा एनिमल हो गया? लोयन। हु लाइक्स टू ईट बनाना? कौन से एनिमल को बनाना खाना पसंद है? तो कौन सा एनिमल बनाना खाता है? एलिफेंट। एलिफेंट को क्या पसंद है? बनाना खाना। विच वर्ड डू दे सी इन द जू? ऐसा कौन सा वर्ड है जो जू में दिखाई दिया था, उनको दिखाई दिया था, कौन सा बर्ड? तो ये पिकॉक कौन सा है बर्ड है, तो ये कहाँ पे दिखाई दिया था जू में? उनको, अंबर और अली को दिखाई दिया था। ये हो गए अपने क्वेश्चन और आंसर। एक बार फिर से देखिए, हु टैक्स अंबर एंड अली टू द जू? पेरेंट्स। विच एनिमल हैज ए मैन? लॉयन। हु लाइक्स टू ईट बनाना? एलिफेंट। विच बर्ड टू दे सी इन द जू? पिकॉक। ये हो गए अपने क्वेश्चन और आंसर। आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है और लर्न करना है। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।